बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नमान कयूम। तुसी देखते पे हो गंदारा हिंको टीवी। आज दी ताज़ा खबरां, वज़ीर आज़म इमरान खान दी कतरी हम मनसब अब्दुल्ला बिन नासिर नाल मुलाकात हुई, जिससे दो तरफा तालुकात ते दोनों मुल्कां च इक्तसादी तामून ते गलकत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान दो रोज़ा दौरे ते गुज़श्ता रोज़ कतर पहुंचे, जिथे इन्हां दा कतर दे वज़ीर खारजा सुल्तान बिन साद ने इस्तकबाल किया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर खजाना सद उमर, मशीर तजारत अब्दुल रजाक दाद, जुल्फी बुखारी, हारून शरीफ ते नदीम बाबर भी वज़ीर आज़म दे नाल है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नू तिब्बी मुआयने दे वसे पंजाब इंस्टीट्यूट आफ कार्डियोलॉजी लाहौर पहुँचा दिता गया है। चीफ एग्जैक्टिव पी आई सी डॉक्टर दे नाल साबिक वज़ीर आज़म दा चेकअप कर सुन। साबिक वज़ीर आज़म दे अस्पताल आमद दे मौके ते सिक्योरिटी दे सख्त इंतजाम किए गए। हुन पाक फौज ने नथिया गली च फसे हुए तमाम सयाहां नू रेस्क्यू करके महफूज मुकामात ते पहुंचा दिता वे। आई एस पी आर की तरफ से जारी बयान दे मुताबिक पाक फौज ने नथिया गली दे करीब तौहीदाबाद दी च फसे हुए तमाम सयाहां नू रेस्क्यू करके महफूज मुकामात ते मुंतकिल कर दिता वे। आपरेशन पाक फिजाइया क्विक रिस्पांस फोर्स ते रेस्क्यू 11-22 ने भी हिस्सा लिता। आई एस पी आर के मुताबिक बर्फ में फंसे हुए सयाहां नू मरी कालाबाग ते एबटाबाद इन महफूज मुकामात ते मुंतकिल किया गया है। साहिवाल वाकई की तहकीकत वैसे तश्कील दी गई मुश्तरका तहकीकती टीम जे आई टी की रिपोर्ट अज वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार नू पेश की जा सी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुजदार ने मीडिया नाल गलकत करते हुए जे आई टी नू तहकीकात वैसे 72 घंटे की मोहलत दी जेडे कि अज शाम 5 बजे पूरे हो जा सुन। ते अज शाम नू ही अमन अमान की सूरत हाल से इजलास भी तलब किया गया है। वज़ीर आला का कहना आया कि जे आई टी रिपोर्ट की रोशनी एक्शन लिता जैसी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे शामिल होने वाले नवे 7 जिमशुदा इजला कौमी तारे च लियाने वसे तरीकेकार तेज कर तर करने की हिदायत की है। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर आला ने जिमशुदा इजला तरक्याती हिकमत अमली वसे वसाइल की फरहमी स्कीम की मंजूरी ते इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी से मुतालिक वज़ीर आला सैक्रटेट मुनकदा आला सतह इजलास की सदारत करते हुए किया। उन्होंने चीफ सैकटरी नवे इजला तरक्याती हिकमत अमली तेज तर करने की हिदायत की ते किया कि साडा तरक्याती अमल अवाम दोस्त होना चाहिए। सी पी एन ई ने खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर सहाफी हाफिज सनाउल्ला उन्होंने निसफ सदी की सहाफती खिदमात ते लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिता वे। लाइफ अचीवमेंट अवार्ड उन्होंने सी पी एन ई के जेरे तमाम मुनकदा मीडिया कॉन्फ्रेंस सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पेश किया। हाफिज सनाउल्ला गुज़श्ता निसफ सदी खैबर पख्तूनख्वा सहाफत करते पे। हाफिज सनाउल्ला ने पंजाब यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म एम ए पिशावर यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स मास्टर ते बरतानिया से एडवांस जर्नलिज्म डिप्लोमा हासिल किया। बरतानिया डेली इवनिंग टेलीग्राफ के सीनियर रिपोर्टर भी रहे। इन्हों की पहली खबर इवनिंग टेलीग्राफ ने फ्रंट पेज ते बायलाइन छाया की गई। हाफिज सनाउल्ला ने पिशोर फॉरन जर्नलिज्म की बुनियाद रखी ते बरतानवी खबर रसा एजेंसी राइटर वॉइस ऑफ अमेरिका ते टाइम मैगजीन वसे एक अरसे तक काम किया। सरहद चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सीनियर नायब सदर ते रेलवे ड्राईपोर्ट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जियाउल हक सरहदी ने डिविजनल सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवे पिशावर मुहम्मद नासिर खलीली नाल उन्होंने दफ्तर मुलाकात की थी। इस मौके पर डिविजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर अनवर सादात मरवत ते दीगर आला हुकाम भी मौजूद है। जियाउल हक सरहदी ने मौजूदा ड्राईपोर्ट ते सहूलियात के फुकदान ते अजाखेल पीर पीआई ड्राईपोर्ट के ताहाल आपरेशनल ना होने ते अपने तहफुजात से आगाह किया। मुहम्मद नासिर खलीली ने जियाउल हक सरहदी के तहफुजात नाल इतफाक किया ते उन्होंने हर किस्म के तामून की यकीन दहानी कराई। गंदारा इनको बोर्ड के तहत गंदारा इनको अकैडमी का 184वां अमूमी इंतजामी इजलास गंदारा इनको अकैडमी के डॉक्टर जहूर अहमद अवान कमेटी रूम में मुनक्द होया। इजलास की सदारत गंदारा इनको बोर्ड के जनरल सैकटरी मुहम्मद जियाउद्दीन ने की। इजलास गंदारा इनको अकैडमी के स्टाफ मैंबरान के अलावा गंदारा इनको बोर्ड के एग्जैक्टिव मैंबर सईद पारस, सकाफ यासिर ते अमीर हमजा ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर तखलीक तहकीक ते तरवीज के हवाले नाल मुख्तलिफ अमूल ते भी तबादला ख्याल किया गया। इस दे नाल ही अज्ज दी खबरां खत्म हुई, नवी खबरां नाल वध मिलसियां। अल्लाह हाफिज़।